होटल हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, काफी अच्छे हुए हैं। ये देखें उसे टेस्ट करते हैं, इसका बहुत ही मजे के बने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है गाइस? आज आप मैं देखकर हैरान होंगे कि मैं कहां बैठा हूं। गाइस आज हम किचन में बैठे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नूडल्स कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास और के नूडल मौजूद हैं, ये दो लिए तो सोचे इनकी वीडियो भी बना लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे, आप में बस एक काम करना, लाइक कर सकते हैं। तो अब आपको फटाफट से सब कुछ बता दें। आपको सबसे पहले एक कप में पानी ले लीजिए, एक कप में या फिर नूडल्स पर डिपेंड करते हैं। एक अगर नूडल्स का पैकेट है ना छोटा, अगर आपका एक नूडल्स का पैकेट है तो आपने एक कप लेना है। तो मैं यहाँ दो बना रहा हूँ इसलिए दो कप लूँगा। तो आपको एक पैन में एक कप डाल लेना, फिर आपको दूसरा कप से डालना और फिर से इसके अंदर डाल लेना। जो काम है वो पानी का जो सारा काम था वो सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है। अब बस हमें जो नूडल्स बने हैं, जब तक इसके बुलबुले नहीं बनते तब तक हमें इस नूडल को नहीं डालना। जब बुलबुले बन जाए फिर नूडल को डाल देना बस। गाइस अब फटाफट से हम यहाँ आग लगा लेते हैं। गाइस आग जल चुकी है, अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा 2-3 मिनट जब तक इस पानी में बुलबुले ना हो। तो अब 3 मिनट बाद गाइस अब यहाँ देखिए, ये देखिए अब यहाँ बुलबुले बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी हमारा पानी रेडी हो चुका है। अब इसमें हम अपने नूडल्स को डालते हैं। पहले पहले हम पहला नूडल डालते हैं, ये बाहर निकाल लेने के साथ अब इसे हम और अब हम अपना दूसरा डालते हैं। तो गाइस अब हमारे जो नूडल्स का काम है वो सारा का सारा रेडी हो चुके हैं। अब बस मैं मिसाल एक मसाला डाल लिए, अब दूसरा डाल दिया। गाइस ये देखिए हमने मसाले इसके अंदर डाल दिए और अब इसको ऐसे थोड़ा करना, यानी ये गरम हो जाए थोड़ा सा। अभी थोड़े साफ हैं यानी पानी थोड़ा साफ, थोड़ा वेट कर लेना, मेरे कहने का मतलब है पानी भी ज़्यादा गर्म नहीं हो, साफ किया नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। गाइस ये देखिए अभी इसके अंदर सारे के सारे ये देखिए फैल चुका है पानी के अंदर, मसाला भी हमने डाल दिया था ऑलरेडी। और जिस तरफ ज़्यादा पानी हो ना हमें उस तरफ इनको भेजना है, यानी पानी जज्ब हो सके और फिर ये सारे के सारे पक सके। गाइस वैसे भी आज मैं पहली बार कुकिंग कर रहा हूँ, मेरी मिस्टेक हो रही तो सही नोट कर। तो गाइस अब हमें थोड़ा सा 2-3 मिनट और वेट करना है इसे पकने के, फिर 2-3 मिनट के बाद देखेंगे इसका क्या रिजल्ट है। ओके गाइस ये देखें बस पानी इसका जब सारा है जस्ट होने वाले हैं, बस ये हमारे नूडल रेडी होने वाले हैं, बस 1 या 2 मिनट हो जाएंगे बस नूडल रेडी हो जाएंगे। बारिश में पकाते हैं इसे, बहुत बारिश आ रही है ना। तो गाइस ये देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, काफी अच्छे हुए हैं। ये देखो